जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन की 19 दिसंबर को समय सीमा समाप्त होने जा रही है। ऐसे में निलंबित विधानसभा के फिर से बहाल होने की उम्मीद में बैठे विधायकों की ख्वाहिशें शायद ही पूरी हो सकती हैं। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकती है। जम्मू कश्मीर के राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ने के बीच राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने शुक्रवार को कहा कि राज्य विधानसभा को अभी भंग नहीं किया जाएगा। मलिक का बयान उन कयासों के बीच आया है कि विभिन्न पार्टियां पर्दे के पीछे से राज्य में सरकार बनाने की कोशिशें कर रही हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में पीडीपी भाजपा गठबंधन की सरकार जून में तब गिर गई थी जब भाजपा ने महबूबा मुफ्ती नीत हुकूमत से अपना समर्थन वापस ले लिया था। मलिक खुद इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि राज्य में लोकप्रिय सरकार संभव नहीं होगी। उन्होंने कहा, मुझे अब भी कोई सरकार बनती नहीं दिख रही है। किसी भी पार्टी के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है और संदेश साफ है कि कुछ भी गैर कानूनी नहीं होने दिया जाएगा। मलिक ने कहा, राज्यपाल शासन के 6 महीने बाद ये सामान्य कार्रवाई है, उसके बाद राष्ट्रपति शासन ही लगता है। राज्य में 19 दिसंबर तक राज्यपाल शासन लगा रहेगा। जम्मू कश्मीर के संविधान में राज्यपाल शासन को बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। पंचायत चुनाव की समाप्ति के बाद नई सरकार बनने की संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। जून में सत्तासीन तत्कालीन पीडीपी भाजपा गठबंधन सरकार के गिरने पर 19 जून को राज्य में राज्यपाल शासन लागू किया गया था। किसी भी राजनीतिक दल ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया और इसलिए विधानसभा को भंग करने के बजाय निलंबित रखा गया। अब 19 दिसंबर को राज्य में राज्यपाल शासन के 6 महीने पूरे हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर संविधान में राज्यपाल शासन को 6 महीने से ज्यादा समय तक लागू रखने का कोई प्रावधान नहीं है। मौजूदा परिस्थितियों में कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में राष्ट्रपति शासन लागू करना मजबूरी हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।